हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। स्वागत है आपके मेरे नए व्लॉग में, जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। मिशू जो अपना कुछ कुछ लिख रही है, चूँकि एक बजने वाले हैं आज, हम लोग काफ़ी लेट उठे तो नाश्ता भी लेट किया। अभी लंच थोड़ी देर में बनाऊँगी। ये रहे हरीश जो कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम पठान मूवी देखने गए थे VGS मॉल। तो मैं ना झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, किचन समेट दिया, तो मैं ना बाहर आज धनिया लगा रही थी। कल मैं धनिया का बीज लेके आई थी तो खाली पड़ा था एक कंटेनर, मैंने सोचा उसमें धनिया लगा देती हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और मौसम थोड़ा सा खुल गया, आप देख सकते हो। तो ना ये वाला बॉक्स खुल गया, खाली था, तो इसमें मैंने अच्छे से, इसकी मिट्टी भी काफ़ी अच्छी हुई है। ये मिट्टी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी थी, इसमें हमने खाद वाद बनाते थे, तो इसी में मैंने धनिया लगाया है। आई होप कि अच्छे से हो जाए। और ये जो पौधे सूख गए, इनको ना मैं सोच रही थी खुदाई कर लूँ और इनको निकाल लूँ, बट ये इतने टाइट हो रही है मिट्टी, तो ये खुद ही नहीं रहा है। ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी पानी डाल देती हूँ और शाम को इसकी खुदाई कर दूँगी। चलिए पानी आने डाल देते हैं इसमें। मैं भी यही करता था, इसलिए नंगा हो गया गमला। ये इस गमले में बहुत कपड़े हुआ करते थे और ये गमला नंगा हो गया है। ये पत्ते सूखे सूखे निकाल निकाल के ही। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कभी घर चले जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो तब गमलों को बड़ा हानि पहुंचती है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। अदरवाइज हमारे गमले बहुत हरे भरे रहते हैं। तो जड़ें ऊपर आ गई हैं यार, इसमें मिट्टी वो करनी है ऊपर, या इसको उखाड़ के थोड़ा करना पड़ेगा नीचे को ना। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि पूरा। नहीं नहीं, ऐसे मत करना, ऐसे जड़ कट जाएगी, ऐसे मत कर, हाथ से उखाड़ते नहीं है, मिट्टी डालनी पड़ेगी। हाँ, सेंटर में डाल देना मिट्टी, सेंटर में मिट्टी कर देना अच्छे से। काम करने आए हो आप? क्या काम करोगे? थोड़ा मिट्टी इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है ना। हाँ, मिट्टी खराब ही हो रहा है वो, किसी काम का गव, एटलीस्ट असला तो खाली हो जाएगा यार। हाँ। इसमें सारे पत्थर वाली मिट्टी है। या ऐसा कर, ये जो सूखे गमले ना, इनकी मिट्टी भी पलट दे, भी उसमें दे दूं? अभी रुक जाओ, मैं कर लूंगी। मिट्टी पलट दे, फिर उसके बाद जब लगाएंगे ना, फिर तो मिट्टी खोदने से अच्छा तो तब मिट्टी डाल ही देंगे। इसको बांधना पड़ता है, इसमें भी मिट्टी डाल ही देना। हम लोग इसकी वो नहीं करते ना, लेट करते तो भी इधर जाती है मिट्टी। इसको बांधना पड़ेगा ऊपर से ना, तो ठीक लगेगा। तिरंगा दिखाओ मिच्छू, तिरंगा कहाँ है? ये तिरंगा मिच्छू का। जय हिंद कैसे करता है? जय हिंद मिशु। एक चीज बोलोगे पापा के साथ? आए नहीं, आए मेरे साथ रिपीट करो पापा की नकल। आई लव इंडिया, 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 इंडिया। गुन्नी ये दो गमले क्लीन कर दिए हैं, और मैंने दो बड़े गमले ना वहाँ रख दिए हैं, वहाँ का शूर है हटा दिया, क्योंकि ये काफ़ी लंबे हो गए थे, तो अभी मैं कर लूँगी और सारी बालकनी को क्लीन। तो चलिए, ये मिशु हैप्पी बर्थडे खेल रही है तब से, ये मिशु का बेबी। और मिशु को ना कल से कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा, तो मैंने दवाई भी मंगाई है, दवाई खिला दी है उसको। बिट्टू गिर जाए और टूट जाएगा मिशू, तो मैंने दवाई भी पिला दी है। अभी हमारे बगल वाले घर पे ना कीर्तन वगैरह जागरण है, तो उनका भी इनविटेशन आया है। बोलो, इसके दिन भर ये ड्रामे चलते रहते हैं, देख सकते हो आप। तो हमारे बगल वाले घर पे कीर्तन जागरण वगैरह और रात का खाना वहीं है, तो उनका इनविटेशन आया, शाम को 4 बजे से होगा बोला है, तो 5 बजे के बाद जाऊंगी मैं। ये देखो उसके ड्रामे,
पापा हीरो है। हीरो है पापा? कैसे मारते हैं हीरो पापा? ओ कैसे मारते हैं? ओ वाओ ओ ये बोलती है पापा चोर आए उनको मारो, तो उसके पापा ने ऐसे मार के दिखाया ना, वही उसी की नकल कर रही है ये। मटर के पुलाव बना देती हूँ क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं है, फिर रात को भी नीचे शायद पूरी पूरी ये सब होगा तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अरे ये किंडर जॉय में आए, ये तो प्रिंसेस है, फिर डॉल थोड़ी है। तो डॉल है क्या? पहना है डॉल ने फ्रॉक किसके साथ खाया आपने? काव्या दीदी के साथ। ओके अभी तो इसको तलने भी हैं, 10 बज चुके हैं। मम्मा दीदी भी खा रही थी, 10 बज चुके हैं, लेकिन मैं इनसे रात को ही तलवा के रहूंगा मुझे खाने। आप खाओगे अभी? तो नहीं खाऊंगा, 7-8 किसी को खाएंगे। मैंने अभी मेरे को मछली के पकौड़े भी बनाए। हाँ हितांशी दीदी भी खाती है, क्या खाती है? मेरा कैंडी खाती है। हितांशी दीदी आपका कैंडी खाती है? हाँ। और आप किसका खाते हो? मैं अपना खाती हूँ। दीदी का खाती है। दीदी का खाती है। ये कम थोड़ी है। ऐसे बर्फी की तरह काटा जाता है, देखो। काजू कतली बन रही है ना? ऐसे करती है। मामा बोलिए सांप बनाओ आप। इसको सांप बोल रही है मिसेस को, इस वाले को। अरे बेटू कैंडी ये बचे हुए आटे की बनाऊंगी ना, रुक जाओ। हो गया। अभी कितना है बचा आटा? बहुत है। अब ज्यादा क्यों था? आप ही नहीं तो कहा ज्यादा बनाना। ठीक है ना फिर। अब मम्मी को कॉल लगाओ। क्या बना रही है? मछली के पकौड़े। मेरे पति के ऑलरेडी ये खा चुके हैं, पता नहीं कितने पीस। क्या कहना चाह रही है? मैंने और बोला विनीत आएंगे तो विनीत के साथ भी खाऊंगा। फट रहा था, अब शायद तेल कम हो गया इसको, फट जा रहा है। बनाओ बनाओ और बनाओ। ये भी अभी ये बन रहा है, फिर रात में आप रात में बनाओगे ना? कल की कल आज खाली क्या पीस बना के रख दूंगी। क्या मैं रात में ही बनेगा? हम मुझे नहीं पता। बाहर के बिस्किट की जगह अब ये यूज करने लगे हैं।